भाई गाइस, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट ऐसे होगा क्योंकि आज हम हैं राधि दीदी के साथ में। और इनके साथ में थोड़ा सा खेतों का मुआयना करेंगे, लाइक घूमेंगे थोड़ा सा, कहने का मतलब ये है। तो दीदी मुझे यहाँ पर खेतों की तरफ घुमाने के लिए ले जा रही हैं। और इस साइड जैसे कि आप देख रहे हैं, अमन जी हैं, एक भैया जी और हैं, सामने एक सिस्टर जा रही है, उनके साथ में एक भैया जी और हैं। और इस साइड जैसा कि सामने आप देख रहे हैं कि भट्टा है, हालांकि आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया होगा, आई थिंक आपको पता होगा। तो दीदी हमें शायद भट्टा घुमाने के लिए लेके जा रही हैं। तो दीदी ऐसा है ना कि आप भट्टा घुमा ले जाए रे, घूम ले। ईटा पाथी थी तुम कह रहे दिखाओ, चला तब ना यही ईटा पाथी को देखो, दिखाए रही ईटा। और यही अपने पथाई करते भैया, अपने ईटा पेट चलाते, अपना जान सीजन पर जान, अपनी अपने सीजन पर जान काम मिला तो सीजन सीजन पर अपना वही काम करते, रोपा टाइम रोपा लगाते। तो कहने का मतलब है लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, तो भाई अपनी बातों को रखती हैं, बताती हैं, उनको लोग समझते हैं और उन बातों को समझते हैं, तभी लोग इतना ढेर सारा प्यार करते हैं, इतना स्नेह देते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आ चुका है सामने भट्टा, ये देख सकते हैं आप। और कच्ची ईंटें वहां पर लगी हुई हैं, जो कि यहाँ पर अभी शायद उस साइड वहां पर भाई लोग बैठे हुए होंगे बारिश के चक्कर में। हाँ, आप क्या कह रही हैं? पानी बरसा रहता के मारा बंद है पथाई। अच्छा 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 ईटा सूख ना रही, फड़न में पानी है वो रखनो। अच्छा, ज्यादा ही गिर गए रात भर भर। तो भैया आप लोग समझ रहे हैं, तो लाइफ में बड़ा स्ट्रगल होता है और कैसे जिंदगी जी जाती है, आई थिंक बहुत ही मायने में समझ सकते हैं कि ग्रामीण लोगों की जितनी समस्याएं होती है, आई थिंक सिटी वाले कहीं ना कहीं उतना उन समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। शायद में भी कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको शायद ही इन समस्याओं के बारे में पता हो। तो बस यही है, सामने भट्टा है और इस साइड ये थोड़ा सा एक ये देख सकते हैं, और हम चलते हैं, बातचीत करते हैं और भी देखते हैं कैसा क्या सामने का व्यू है। और बस यही थोड़ी प्यारी प्यारी ब्लॉगिंग और उनके साथ में घूमना अच्छा लग रहा है। कुछ व्यूवर्स हमें ढेर सारा प्यार कर रहे हैं उन वीडियोस को लेके, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और सामने जैसा कि आप देख रहे हैं क्या दीदी चल रही हैं, साथ में अमन भैया जी भी हैं। तो बस ऐसी ही ब्लॉगिंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ अलग दिखाना चाहिए, लाइफ के बारे में दिखाना चाहिए, यही लोगों को पसंद आता है। तो भाई इसी पे मैं काम कर रहा हूँ बराबर, आप लोगों को यानी ऐसे वीडियोस चाहिए थे तो इसलिए हमें ये ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे अमन मित्र जी हैं, वो भी वीडियो को शूट कर रहे हैं और मैं भी। और ये इस साइड ये बाँस के पेड़ हैं और जैसा कि दीदी बता रही हैं, आइए थोड़ा सा चलते हैं। तो भैया बस ऐसे ही प्यारा सा ये वीडियो बना रहे हैं, मौसम काफ़ी सुहाना और काफ़ी बढ़िया मौसम है। हालांकि बारिश हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बारिश ये हो रखी है, पानी भरा हुआ है, बट बारिश सुबह हुई थी, अभी तो बारिश नहीं हुई है। और बस मैंने सोचा क्यों ना इस भी शानदार और थोड़ा सा बढ़िया बनाया जाए, तो छोटा सा ये प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग? क्यों कई दफ़े वीडियो हम काफ़ी लॉन्ग कर देते हैं, कई दफ़े हमारे व्यूवर्स थोड़ा सा बोरियत फील करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको छोटा सा बनाया जाए, लंबा ना किया जाए इसीलिए। तो बस अपने वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो भैया प्यारा सा लाइक कर लें, और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर आप बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो उसमें तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप आराम से उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बारिश आ चुकी है भैया, वीडियोग्राफी बंद करता हूं मैं।